हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टेक न्यूज थोड़ी रंगीन है, आपको पता चल गया होगा क्यों। क्योंकि मैंने करा लिए हैं अपने हेयर कलर, क्योंकि मेरे को मन करता है यार, थोड़ा सा मस्ती करने का मन करता है। एनीवेज, हमारी उम्र तो हो चुकी है लेकिन मन जो है वो बचपन वाला ही अभी तक। कोई बात नहीं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं खुद को करनी चाहिए ताकि आप खुद खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुद खुश रहेंगे तो बाकी लोग भी खुश रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे से। फैक्ट ऑफ द डे है आज बिटकॉइन के बारे में, और मुझे ये बता के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक बड़ी मीटिंग भी हो रही है पार्लियामेंट में, और उसके बारे में भी आगे बताएंगे। लेकिन बिटकॉइन के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पता है आपको कि पहली ट्रांजेक्शन यानी कि बिटकॉइन से पहली जो चीज खरीदी गई थी वो थे 2 पिज्जा, और उस पिज्जा को खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए गए थे। उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू $40 थी। अब सोचिए वो पिज्जा बॉय आज के टाइम पे कितना बड़ा अमीर आदमी होगा। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट खबर है कि अभी क्या आपको पता है कि 4500 तकरीबन 4500 क्रिप्टो करेंसीज हैं पूरे इंटरनेट पे, और टोटल अमाउंट जो है बिटकॉइन का वो लिमिटेड है, यानी कि 21 मिलियन टोटल मिला के बिटकॉइन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और उसमें से 18 मिलियन ऑलरेडी लोगों के पास पहुंच चुके हैं, उसमें से कुछ इधर उधर खोए भी पड़े हैं, लेकिन टोटल मिला के 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे, यानी कि उसकी वैल्यू जो है फाइनाइट रहेगी। शायद इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, पता नहीं कब तक, लेकिन अभी तो बढ़ रही है। बात करते हैं दोस्तों पहली टेकी खबर, और पहली खबर आ रही है Redmi Note 11T 5G के बारे में, जो कि फाइनली 30 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसकी जो इमेज आपको देखने को मिल रही है इधर उधर न्यूज मीडिया वगैरह पे, वो थोड़ी सी अलग है। इसके राउंडेड एजेस होने वाले हैं, ऐसा यहां पे पता चला है। ये स्नैपड्रैगन 810 वाला फोन है, 5G वाला फोन है। 8GB की रैम मिल जाएगी, 128GB तक की स्टोरेज मिल जाएगी, UFS वाली स्टोरेज होगी, रैम भी थोड़ी फास्ट होगी और डिस्प्ले भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन शायद इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा। 20,000 के अंदर ये फोन आने वाला है, तो ऐसे में इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है कि इसकी एग्रेसिव प्राइस इंडिया में 17,000 से 18,000 के आसपास हो, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। Xiaomi इस फोन को 30 नवंबर को लॉन्च करने वाला है, बहुत जल्दी ये फोन सेल पे भी आएगा। अगली खबर है यहाँ पे Realme GT 2 Pro के बारे में, जिसकी प्रोडक्ट टेस्टिंग शुरू हो गई है, लॉन्च एक्सपेक्टेड है 2022। तो GT सीरीज में GT 2 Pro और भी बेहतर रहेगा, यहाँ पे आपको और बेहतर कैमरा मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 5G कनेक्टिविटी के साथ, 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ ये फोन आने वाला है 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी तक ये फोन लॉन्च हो जाएगा। अगली खबर है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A33 5G जो है फोन आने वाला है। इसके बारे में डिजाइन वगैरह इसका सामने आ गया है। कमाल की बात यह है कि अभी तक इस फोन के अंदर वो पुराने वाला नॉच है जो कि आपको 2019 से मिलना शुरू हुआ था, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे डिस्प्ले चेंज नहीं किया। साथ ही साथ इस फोन में से हेडफोन जैक भी हटा दिया गया है। धीरे धीरे ऐसा दिख रहा है कि मिड रेंज फोन में से भी हेडफोन जैक गायब हो रहा है, ताकि सभी लोग जो है TWS लेने के लिए भागें और ये कंपनी और ज्यादा पैसा छापें। तो ऐसे में जब भी आप फोन लेने जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर बोलना ट्विटर पे कहीं पे भी कि भाई हेडफोन जैक क्यों नहीं दिया, हेडफोन जैक देना चाहिए। बाकी अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन से खुश हो तो अलग बात है आपकी। दोस्तों, क्वालकम लॉन्च करेगा अपना नया स्नैपड्रैगन सीरीज का प्रोसेसर, लेकिन उसका नाम स्नैपड्रैगन 898 नहीं होगा, उसका नाम होगा स्नैपड्रैगन 8 सीरीज जेन 1। जी हाँ, ये नेमिंग कन्वेंशन जो है चेंज कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सेल करते टाइम आज के टाइम पे कंज्यूमर जो है ऑफलाइन मार्केट में भी शॉप में भी पूछता है कि भाई उसके फोन में प्रोसेसर कौन सा है, और जब हम आपको बता देते हैं ना कि 898 एंड 895 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में अब यहां पे नाम रखा गया है स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जेन 2। अब जेन 1 जेन 2 से लोग कई बार क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस ये सोच लेते हैं कि ठीक है नया ही होगा इसीलिए तो जेन 2 बोल रहे हैं, लेकिन कई बार आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के नाम रखे जाते हैं, तो शायद ऐसा एक रीजन हो सकता है। दोस्तों, ओप्पो का फोल्डिंग फोन आने वाला है, उसका कोड नेम है पिकॉक, और ये नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा तो ये इंडिया में तो नहीं आने वाला, वहां चाइना में ही लॉन्च होगा, लेकिन ये हाई एंड डिवाइस होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे ये कम्पीट करेगा ग्लोबल मार्केट में सैमसंग के फोल्डेबल फोन के साथ। अब देखते हैं कि कितने लोग सैमसंग का फोन छोड़ के ओप्पो का फोल्डेबल फोन लेते हैं, क्योंकि हुआवे का तो बिका नहीं, ओप्पो का क्या बिकेगा। दोस्तों, आईकू की तरफ से खबर आई है कि आईकू का Z5 साइबर ग्रिड अवतार जो है लॉन्च हो गया। एक फोन है बेसिकली इनका Z5 पुराने वाला, उसी को इन्होंने रीलॉन्च किया, थोड़ा से अलग सी लुक दी है, और अब ये Amazon पे लिस्ट भी हो गया। तो अगर आप Z5 को ढूंढ रहे हैं और उस प्राइस पे ये फोन आपको अच्छा लगता है तो आप इस फोन को ले सकते हैं, आपकी लुक एंड फील भी थोड़ी अलग हो जाएगी और नया तरह का फोन है,
तो अच्छा ही लगेगा, मतलब बाकी लोग नोटिस करेंगे। ये है OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसमें बहुत से नए फीचर्स हैं इसके सॉफ्टवेयर में, इसके हार्डवेयर में, इसकी लुक एंड फील में, तो ऐसे में इसका वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, आप जाके देख लेना। बाकी मैं आई बटन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके बनने वाली है चित्तूर के प्लांट में, उसकी लॉन्च टाइमलाइन रिवील हो गई है। तो बहुत जल्दी हीरो अपना व्हीकल लेके आएगा जो कि उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। अभी तक हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो अच्छे ऑप्शन दिखते हैं वो एथर की तरफ से आते हैं, ओला की तरफ से आते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक मेन स्ट्रीम ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है। जबकि यहां पे हीरो का ये ऑटोमोबाइल वाली कंपनी जो है हीरो मोटोकॉर्प, वो अगर अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालती तो डेफिनेटली लोग उसके लिए और ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। लेकिन ये स्कूटर आएगा अगले साल 2022 तक ही आएगा, मार्च के अराउंड बोल रहे हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो के बारे में अच्छी खबर यह है कि आज पार्लियामेंट में मीटिंग हो रही है। क्रिप्टो के जो यहां पे जो लोग क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं खासतौर से एक्सचेंजेस, उनको तो पैसा मिलता है, तो ऐसे में वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच कुबेर, इनके लोग जो है और कुछ मोबाइल एसोसिएशन वाले लोग भी जाके मिल रहे हैं पार्लियामेंट में और सरकार के साथ बात कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, किस तरह से जो जनता है इन्होंने क्रिप्टो ले रखा है तो कैसे आप उसको टैक्स करेंगे, उन सब चीज़ों पे बात होगी। शायद कुछ अपडेट निकल के आए तो हम बताएंगे आपको जैसे ही निकल के आएगा सोशल मीडिया चैनल पे। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं प्रशांत पटेल, प्रवीण परिहार एंड अवजीत दास। बहुत ही बढ़िया कमेंट्स कर रहे हैं आप लोगों ने, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, हम आपको फीचर भी करते रहेंगे। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको आज बताता हूं कि कैसे आप अपने टीवी के साथ माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार टीवी पर टाइप करना टीवी के कीबोर्ड से बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी तरह के ब्लूटूथ कीबोर्ड को आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें ब्लूटूथ है तो वो आप जाके पढ़ लेना, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दूसरी टिप है दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप में अगर आपको ऑडियो मैसेज आता है और ऑडियो मैसेज चलने में टाइम लगता है तो आप उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, उसकी स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ बताया हमने आर्टिकल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों। दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।